नवरात्रों के दौरान भीमाकाली मंदिर सहित तो ऊपरी क्षेत्र के अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए प्रशासन की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के फिर से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर संक्रमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में भीड़ अधिक जुटने से समुदाय में संक्रमण न फैले, इसको लेकर मंदिरों में प्रबंधन सचेत हो गया है। नवरात्रों के दौरान सराहन भीमाकाली मंदिर सहित अन्य मंदिरों के प्रबंधकों व रामपुर के सरकारी विभागों के अधिकारियों की एसडीएम रामपुर ने बैठक बुलाई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि सरकार द्वारा जारी कोविड के गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाए। भीमाकाली मंदिर में ऑनलाइन आरती की व्यवस्था की जाएगी, इसके साथ साथ पानी के नल सेंसर वाले लगाए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश ने पिछले एक वर्ष से कोरोना की मार के कारण प्रभावित हुए पंडितों और पुजारियों की सरकारी स्तर पर सहायता की मांग भी उठाई थी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि पंडित और पुजारी धर्म के प्रचार और संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। कोरोना से उनका कारोबार ठप हुआ है, इसलिए उनके अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि प्रमुख मंदिरों के प्रबंधकों सहित सरकारी अधिकारियों की बैठक पर नवरात्रों के दौरान मंदिरों में सरकार द्वारा जारी एसओपी पालन को सुनिश्चित किया जाएगा। मंदिर में लगे नल सेंसर वाले लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु नल को ना छू सके। इसी तरह मंदिर की घंटियों पर भी श्रद्धालुओं का हाथ ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। मंदिरों में हवन और भंडारों पर पूर्ण पाबंदी भी रहेगी। आग्रह किया है कि सभी प्लीज जो ये कोविड महामारी के दौर में अपनी एक जिम्मेवारी समझें। लोगों ने पिछले एक वर्ष से सरकार का प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है और हमें आगे भी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। एक तो अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, और जो अभी वैक्सीनेशन का दौर चला है 45 से ऊपर जिन लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो प्लीज़ वैक्सीनेशन के लिए आएँ, और सैम्पलिंग के लिए भी लोग खुलकर आएँ, अपने सैंपल दें ताकि ये पता चले कि अभी भी कोरोना किस किस क्षेत्र में मौजूद है, किन लोगों में मौजूद है। और इसके अलावा नवरात्रों में जो कोविड की जो SOPs है, चाहे वो सेफ डिस्टेंसिंग का है, मास्क वेयरिंग का है, सैनिटाइजेशन का है, और जो वहाँ पर जो हवन वगैरह नहीं होने, उसके बारे में विशेष दिशा निर्देश सभी मंदिर प्रतिनिधि को दे दिए गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री देव कुमार नेगी ने बताया कि देश व प्रदेश में पंडिताई से जुड़े लोगों का बहुत बड़ा तबका है। पिछले एक वर्ष से उनके व्यवसाय पर कोरोना का संकट है, धार्मिक अनुष्ठान तथा अन्य धार्मिक आयोजन बाधित हुए हैं। ऐसे में उनकी रोजी रोटी खतरे में है, इसलिए सरकार से उनकी आर्थिक मदद की मांग भी की गई। दुर्भाग्य से देश और प्रदेश में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन चल पड़ा है। वैसे तो सारे समाज के लोग कोरोना के प्रति जागरूक हैं, सभी मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और सामाजिक दूरियां निश्चित तौर से बना के रखा है। लेकिन मुझे इस संदर्भ में यह कहना है, लगभग पूरा एक साल कोरोना के चपेट में निकल गया। हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका है जो पूजा पाठ से अपना परिवार का जीवन यापन करवाता है, जिसे हम समाज में पंडित कहते हैं। इन लोगों का लगभग एक वर्षों से अपने परिवार को पालना जीना बड़ा दुर्लभ हो गया है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ, ठीक है देश हित में प्रदेश हित में सभी प्रकार के प्रतिबंध अनिवार्य है, ये हम सबको करना चाहिए और पालन करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिनका बच्चों का पढ़ाई, अपने बच्चों के पेट पालना ये इसी पंडिताइन पर निर्भर करता है, इस पर भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। ये गंभीर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं।